नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल और डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। हरियाणा के 15,50,000 परिवारों को 5,00,000 रुपए तक की मेडिकल सुविधा निशुल्क दी जाएगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 15 अगस्त से पहले 22 जिला अस्पतालों में एक ईएसआई तथा एक मेडिकल कॉलेज में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर आयुष्मान भारत हरियाणा की शुरुआत की जाएगी। इसके अंतर्गत राज्य में 15,50,000 परिवारों को 5,00,000 रुपए तक की मेडिकल सुविधा बिल्कुल फ्री दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अखंड भारत यात्रा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को करनाल में सेक्टर 5 स्थित हेरिटेज लॉज के समीप अखंड भारत उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली शहीद सम्मान जागरूकता यात्रा में शामिल मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले उपस्थित हजारों युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने सभी देशभक्तों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी और तीज पर्व की शुभकामनाएं भी दी। क्रांति होगी तो देश विकसित होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश की आजादी के 72 सालों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यह 4 साल स्मरणीय रहेंगे। जिस देश में आर्थिक क्रांति का सूत्रपात हुआ है, प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत विश्व में आर्थिक क्रांति का सरताज बने। इसके लिए परिवार की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा जरूरी है और प्रधानमंत्री के जन धन योजना के तहत खाते खुलवाकर जीएसटी को लागू करके आधार कार्ड और बैंक खाते में लिंक करके तथा नोटबंदी करके देश में आर्थिक क्रांति को बढ़ावा दिया है। आर्थिक क्रांति में यदि अहम योगदान रहा है तो वह है बैंक सिस्टम का। जनधन योजना खाते से पहले भारत में 3,50,00,000 खाताधारक थे और अब 31,50,00,000 खाताधारक भारत में हैं, जो कि विश्व में दर्जनों देशों में और उनकी आबादी में सबसे अधिक है। इनेलो SYL के मुद्दे को लेकर के राजनीति कर रही है। इनेलो व भाजपा दोनों ही पार्टियां SYL मुद्दे पर कर रही है ड्रामेबाजी। प्रदेश में इनेलो व SYL के मुद्दे को लेकर के भाजपा और दोनों ड्रामेबाजी कर रही है, क्योंकि SYL का पानी हरियाणा में लाने के लिए इनेलो व भाजपा जरा भी गंभीर नहीं है। इस मुद्दे पर वह केवल राजनीतिक रोटियां सेक रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने कैथल जिला में कस्बा चीका के अंदर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जब प्रदेश में इनेलो की सरकार थी तो उन्होंने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया, और जब पंजाब में अकाली दल की सरकार थी तब उन्होंने SYL का पानी लाने के लिए हरियाणा को दिलाने के लिए प्रयास क्यों नहीं किए। ये केवल एक जुमला है और जिसे प्रदेश की जनता समझ चुकी है, और SYL के मुद्दे को लेकर के इनके बहकावे में जनता आने वाली नहीं है। पत्रकारों द्वारा कांग्रेस पार्टी में फूट होने के संबंधी कुछ सवाल पूछे गए तो हल्का गुहला से इस समय कांग्रेस पार्टी में 3 दिग्गज बड़े नेता हैं जो कि विधानसभा में पहुंच चुके हैं और उनमें आज रैली के अंदर कोई दिखाई नहीं दिया। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, टिकट उसे मिलेगा जो जिसे जनता कहेगी और जो कांग्रेस संगठन के लिए मेहनत कर रहा है। रही बात रैली में न पहुंचने के लिए, तो उसमें किसी को भी अपना घरेलू कार्य हो सकता है। आप देख रहे थे पल पल की ये खास खबरें और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए ताज़ा खबरों के लिए, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। इसी तरह से ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।